और ये चीज क्या है, ठीक है ये देखो आइडियोलॉजी कर रखी है, पैराबोल्ट से चलेंगे। हाँ इसमें बजर भी है अगर समझ लो आपको। और ये फाइनली ये ड्रोन बन चुका है, आपको दिखाता हूँ। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here. देखो बहुत सारी साइकिल मेरे बैकग्राउंड में, समझ गया मैं किसके घर पे हूँ। यहाँ पे है फैट बाइक कर रहे हो क्या? अभी अच्छी से क्या हाथ में है आपकी बताओ? ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। अच्छा इससे क्या होता है? इससे यार टेम्परेचर आ जाता है हर जगह का, वायरलेसली आ जाता है। और ये है RC कार का रिमोट जो कि आपने देखी होगी, जो बहुत फास्ट है ना भाई। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आपको मिलता है कि आई बटन के अंदर। सो इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम लाइक 150 से 200 किलोमीटर के बीच में है। अब अगर आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो इससे डबल फास्ट है और वो चीज बैग के अंदर है, तो क्या चीज है वो अब भी पता लगेगा। सो गाइस आपको दिखाता हूं बैग में क्या चीज है, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को एंजॉय करो। वेल सो व्हिच गाइस हैव व्लॉग्स बैक हियर। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चश्मा नहीं लगा है, जिस मैंने पहन रखे लुक्स के लिए, क्योंकि मुझे को इतने कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो पे, देखो चश्मा लग गया, देखो चश्मा लग गया, चश्मा नहीं लगा है भाई, जैसे चश्मा 0 नंबर का है, देख लो प्रूफ दिखा देता हूँ। मतलब मैं कैमरे से इसमें मैं दिखा रहा हूँ, हरकतें मेरी पता नहीं कैसी हो रही हैं कि देख लो 0 नंबर है, हरकतें मेरी पता नहीं क्या हो रही हैं। चलो गाइस जोक्स का पार्ट आवाज करने आ रहे हैं किसी एप्लीकेशन के बारे में, थ्रू विच यू कैन अर्न मनी वाया स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन। इसलिए आपका नाम है नॉस्ट्रा प्रो। गाइस ये जो एप्लीकेशन है अभी अवेलेबल है iOS, एंड्रॉइड एज वेल एज PC डेस्कटॉप पे। तो आपको करना क्या है बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे तो खोलोगे ना तो आपको मिलेंगे आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जो भी आपको फेवरेट है उसको आप खोलो। उसमें से आपको मिलेंगे 12 से 15 सवाल, आपको सब उन सवालों को सही से जवाब देना है। एंड कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसे तो 3 लाइफलाइंस, तो उनका आप यूज़ करो एंड आप पैसे कमा सकते हो उस वाले एप्लीकेशन के थ्रू। जो आपको पैसे मिलेंगे आपको मिलेंगे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के थ्रू, आपको इसे पैन कार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं करनी है। एंगेज जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल है हिंदी, तेलुगु एज वेल एज इंग्लिश में। सो जाओ जाके पैसे कमाओ। ये देखो चीज़ की आपको मेरी तरफ से मिलेगा 100 रुपये पेटीएम बोनस, अगर आप यूज़ करोगे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो उसको यूज़ करो जाकर के, तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से 100 रुपये पेटीएम बोनस। सो जाओ जाके पैसे कमाओ। सो गाइस देखो वहाँ पे है बैग जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है इस वाली वीडियो के लिए। एंड गाइस अभी मेरे को हो रखा है कोल्ड एंड फीवर, तो उसकी वजह से मैं अभी मैंने गॉगल्स पहन रखे हैं, नहीं तो भाई ऐसा लगूंगा ऐसे बड़ा नींद में हूँ है ना बिल्कुल। और भाई मैं उठ के सुबह 12 बजे नहा लिया, बट फिर भी मेरे को ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे अभी जल्दी सो जाऊँ। बट अभी आप बताओ, मैं खुद अभी लेट उठाऊँ यार, 4 बजे उठाऊँ। 4 बजे उठे हो? मैं 4 बजे आपके घर आया हूँ। मैं स्टैमिना कहते हैं इसको, अभी भी उठा था। अच्छा और नहा भी लिए है ना, और क्या किया? और और देखो यहाँ पे है RC कार। अच्छा भाई बताओ सस्पेंशन अच्छा है इसका? भाई वो तो है, अभी इसकी मोटर खत्म हो गई थी और चेंज करिए, कितनी पावरफुल मोटर थी इसकी। हाँ भाई देखो 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 इसके जरा वो देखो सस्पेंशन जल्दी से, टायर्स का साइज बहुत बड़ा है, टायर की ग्रिप बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक गाड़ी है भाई। पूरी स्टंट कार है ना बेसिकली ऑलमोस्ट। तो भाई अब एक काम करते हैं, कार की तो बात हो चुकी थी, वीडियो बन चुकी है, आप दिखाई जल्दी से बैक में क्या है इसमें खोलते हैं। चलो जल्दी से खोलते हैं। सो देखो हम भैया बैग को अनबॉक्स कर रहे हैं, जल्दी खोलो यार। अरे सरप्राइजिंग चीजें निकल रही हैं अंदर से। ओके ये तो पूरा पैकेज है, उसमें मेरा एड्रेस है, ठीक है ओके ओके समझ गया। अरे ये पैकेज देखिए ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पर ये प्रॉप्स कहते हैं इसको। ओके लेकिन ये इसका एड्रेस है। ओके वो एड्रेस पाते हैं। ये देखो अब ये और ये चीज क्या है, ठीक है ओके। अब इसमें क्या भैया इचिंग क्या चीज होती है? इसका फ्रेम आता है ठीक है, ये कार्बन फाइबर की चीज है। ओके ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, तो वीक लेकिन ड्रोन के हिसाब से पावरफुल है, रेसिंग ड्रोन के हिसाब से ठीक है। मोटर वाली फ्रेम देख के समझ गए क्या चीज है, ड्रोन है ना। लेकिन ड्रोन कौन सा है जो इतना बहुत तेज भागता है? रेसिंग ड्रोन है फिलहाल जो कि बनने वाला है। ओके अब इसको हमने वही क्यों नहीं मंगवाया, क्योंकि नहीं तो कस्टम बैठ जाता है, तो मैंने पूरा पार्ट शॉर्ट से मंगवाया है और सारे पार्ट ढंग से मंगवाए हैं। रिसीवर है ये, इसका रिसीवर है आराम से टेंशन नहीं होगा फ्लाइस का ऐसे। हां जी रिमोट इसका ऑल का। ओके ये स्ट्रैप्स है बैटरी की। हां जी ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है मेरे ख्याल से या फ्लाइट कंट्रोलर है, ये वो है पावर ESC का। ओके ये ESC है 5 वोल्ट से पावर सारे मोटर्स चलेंगे। ओके और देखो इसमें बहुत सारा सामान है। सो गाइस ये जो ड्रोन है इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी लाइक आने हैं, लाइक इसके जो मेन गॉगल्स है वो आने हैं। गॉगल्स के क्या काम करते हैं बताओ यार? उससे आराम से फील्ड देख सकते हैं। ये देखो कमी आइडियोलॉजी कर रखी है, ऐसा क्यों क्या आइडियोलॉजी कर रखी है? इसके जो गॉगल होते हैं पहले जरूरी क्यों होते हैं इसको उड़ाते वक्त? उसमें फीड ज्यादा अच्छा आता है, फीलिंग भी ज्यादा आती है, 3D फीलिंग आती है। ओके नहीं तो बंदा ये बोलेगा कि भाई तेरा ड्रोन कहाँ चला गया, स्क्रीन में देखोगे ना पता ही लगता है। ओके और बंदा बड़ा घूम जाता है उसके अंदर। सो भैया मुझे क्या कह रहे थे कि इसमें बैटरी नॉर्मल वाली नहीं डलती,
जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं उसमें 3S बैटरी चलती है जो मेरे पास शायद नीचे पड़ी होगी। ओके 3S में जो प्लेन वाली मोटर है, ठीक है, वो 4S कौन सी होती है? 4S में ज्यादा पावर आती है। ओके फ्लाइट टाइम तो सेम रहता है लेकिन ऐसा एग्रेसिव उड़ेगा ना कि मजा आ जाएगा। खर्चे बहुत खतरनाक है। नंबर ऑफ अमाउंट देखो ऐसे और भी इससे डबल और पड़े हुए तो ये टूटते रहते कभी ना कभी क्रैश होता रहेगा। पहले बता रहा हूँ ये सब एक ड्रोन का है। ओके अच्छा ये दोनों चीज है, ये और ये क्या है? ये दोनों ड्रोन्स के फ्रेम है, ये क्वाडकॉप्टर का फ्रेम है, वो हेक्साकॉप्टर का फ्रेम है जो पहले बना चुका हूं। ओके ई सो ये क्या चीज है? ये क्रिसमस ट्री है। ओके ये अच्छे खासे लोगों का क्रिसमस निकाल देता है। ओके ग्राउंड में एंड यहाँ पे साथ में फैट भाई को मिल रहे हैं। अब सीन क्या है कि कुछ 15 या 16 दिन बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं और फाइनली ये ड्रोन बन चुका था। कुछ दिखाता हूँ मेरा ड्रोन पूरा पास से कि ये ड्रोन कैसा है एंड हमने क्या इसको इंस्टॉल करा। तो चलो देखो गाइज यहाँ पे मेरा ड्रोन है, इसका नाम है E-Chin 220S रेसिंग वाला मॉडल है एंड ये पूरा हमने खुद ड्राइंग करा है, पूरा हमने पार्ट्स वगैरह मंगवाया था, हमने देखा स्टार्टिंग में एंड ये पूरा हमने नहीं इन्होंने ड्राइंग करा है। ठीक है ठीक है। सो मैं बताओ कि क्या इसमें पूरा सिस्टम जो फ्रेम है वो कार्बन फाइबर फ्रेम है पूरा, तो ये लाइट वेट होता है एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी, काफी थिक है। नीचे अगर तू देखेगा ना देख कितना ज्यादा थिक है। तो वो भारी तो उतना ही होता लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता। उड़ाते वक्त मैंने थोड़ा सा क्रैश कर दिया था, बैलेंस आउट हो गया। ठीक है एंड यहाँ पे बैटरी स्ट्रैप लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी की वायर जिसपे सेपरेट ली थी 1.5 mm की एंटीना है इसका, एंटीना। ठीक है सो इससे क्या होता है कि हमने इसमें आगे एंटीना लगा हुआ है FPV का, इस पे कवर लगा हुआ है आगे, इसकी हमने पूरी सेटिंग वगैरह करनी है अभी FPV की। अभी जो पूरा ड्रोन है फ्लाई तो हो रहा है बट इसमें अभी अपन पूरी FPV की सेटिंग करनी है, क्योंकि आप देखोगे बिल्कुल लेस लॉक में उसमें कंप्यूटर से होगा प्रॉपर। तो ऐसा आपको देखो देखा था कि आज जो मेरा RC प्लेन था वो क्रैश हो गया था। सो मैंने सोचा कि कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ नहीं हम करते हैं हरकत, तो आ चुका है हमारे पास में जिसको उसको ढंग से फ्लाई करेंगे। ऐसा कंटेंट यार मतलब ऐसा वाला ड्रोन है शायद से इंडिया में नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलता किसी को रेसिंग ड्रोन नहीं होगा बट किसी ने वीडियो बनाई होगी पकड़ रेसिंग ड्रोन की, किसी को इतने ड्रोन नहीं होंगे जितने यदु के पास है। ओके सो मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि रेसिंग ड्रोन इंडिया में होगा, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि आप लोगों ने एक चीज पकड़ ली थी कि तूने बोला कि RC में इंडिया में नहीं मिलता। भाई मिलता होगा, अगर आप दोबारा जाकर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि भाई मिलता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है बट चलो अभी देखना आप पूरा ड्रोन है। इसके जो प्रोपेलर भी थोड़ा अजीब से, उसके तीन प्रोपेलर होते हैं इसमें, काफी छोटे साइज में आते हैं, पावरफुल है। इसकी मोटर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब जो स्पीड से रोटेट करती है ना मजा आता है, धीरे आरपीएम में भी हाई आरपीएम में भी। ये सारी ब्रेडेड वायर्स है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके अंदर तेरा रिसीवर हो गया, उसके नीचे तेरा फ्लाइट कंट्रोलर है। सो इसका पार्ट था, इसका एक पार्ट था जो कि था स्टैंड ऑफ, उसको आने में कुछ 15 दिन लग गए। कुछ प्लास्टिक का पार्ट था, ठीक है। सो भी उसका पार्ट का फायदा क्या होता है? ये स्टैक करने के लिए जो होता है, एक के ऊपर एक जो चीजें लगी हुई है ना उसके लिए फायदा होता है, वरना तुम स्टैक नहीं कर सकते इजीली। सो इसका जो वेट होगा कुछ 500 ग्राम के अराउंड होगा मेरे हिसाब से, 300 ग्राम बस, हो सकता है 250 अगर निकला। इसका जो वेट होगा अराउंड मुझे लगता है 250 से 300 ग्राम होगा विदाउट बैटरी। okay. बैटरी ऐड करके फिर बन जाएगा जितना बनना है। एंड ये यहाँ पे दे रखी है USB केबल, वो क्या चीज है? USB वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगी, कंप्यूटर में डालेंगे ना तो अच्छा इसको डालना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, इसको कनेक्ट होता है कंप्यूटर में, ठीक है, इसको ऑन भी करना पड़ता है एंड फिर सारी प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद कुछ पूरा ड्रोन है यहाँ पे, इसकी रबर लगी हुई है एंड भैया इसके अंदर मोबाइल की मोटर माउंट जो भी आपने नहीं लगाए, नहीं लगाए तो उससे क्या होता है कि पूरी मोटर की शिफ्ट हो जाती है, ऐसे थोड़ा बहुत क्रैश हुआ है। सो ये सब चीज़ें बता रहता है बट कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ इसके 2 सेट मंगवाए, इसमें ऑर्डर लाए कुछ 20 प्रोपेलर्स भर भर के आए। एक और चीज मैंने इसमें GPS नहीं है लेकिन विंड से काफी रेजिस्टेंस मिल रही है, ऑल्टीट्यूड इसमें होल्ड भी नहीं है और इसका भी इसमें एक्रो मोड है, वो क्या होता है? एक्रो मोड क्या होता है? जो अगर नॉर्मल मोड होता है ना, आप फॉरवर्ड की तरफ प्रेस करोगे, फॉरवर्ड हुआ, जैसे छोड़ोगे स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। एक्रो मोड करते हो फॉरवर्ड किया वहीं अटक जाएगा और स्पीड में चलते एरोप्लेन की तरह चलता रहेगा जब तक इसको वापस नहीं करते, बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऑपरेट करना। मैंने भी अपने एक्रो मोड डाला था, अरे मैं तो उसमें उड़ाता, मैं तो उड़ाता ही उसके अंदर हूं, वो तो पता होगा आपको। एक्रो मोड में क्या होता है? ऐसे उड़ा के सीधा उल्टा कर दो, यही रहता है। अच्छा फिर सीधा ऐसे कर दो, स्टंट्स के लिए यूज होता है। तो आपने कहा था कि वो टेढ़ा हो जाएगा, फ्लिप भी हो सकता है। हाँ, हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। एंड यहाँ पे देखो मैं इसके LEDs भी लगा रखी हैं, ऑप्शन होती है बट हमने इसमें LEDs लगाई हैं जो कि हैं रेड और ग्रीन कलर की एंड पूरा पीछे भी LEDs हैं पर्पल कलर का। यहाँ पे उसके पीछे भी LEDs देखो दे रखी हैं जो कि 12 वोल्ट से चलेंगे। हाँ, इसमें बजर भी है, अगर समझ लो आपको ड्रोन खो जाता है तो इसमें बस ऐसे बजर। यहाँ पे हो चुका मेरा ड्रोन फिलहाल तो ऑन,
ये देखो ओके अभी हम कर रहे हैं पहला सेटिंग ओके अभी इसमें प्लेन भी कनेक्टेड है ड्रॉप डोर भी है एंड रेसिंग डोर भी है इसे रेसिंग हमने सिलेक्ट कर दिया ठीक है ओके एक बार तेरे को बताओ क्या चीज होती है अपने ये थ्रॉटल है ये ओ राइट साइड गड़बड़ हो जाती है अभी राइट साइड पे आर्म करने के लिए लेफ्ट साइड पे डिसआर्म करने के लिए आवाज भी आ रही है थोड़ा सा थोड़ा सा बस 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 भाई बहुत एग्रेसिव ड्रोन है ठीक है एंड ये काम करो इसको एक बार ड्रोन को थोड़ी बस के ये ऑन कर दो प्रोपेलर्स और फिर रिमोट को एक बार बंद कर दो ठीक है ओके भाई एक बार काम करो जरा ओके अदर रिमोट बंद कर दो एंड अब ऑफ ओके मतलब ये इसको बिल्कुल 50 से घटिया है बट ये बीप करेगा ठीक है मतलब ये सही है बैटरी खत्म हो गई पैसे तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बट बुला रहे अपने पास कि भाई मेरे को ठीक करो अगर ये हाइट से गिरा तो टूटेगा फिर देख रहे हो भैया तेज है बस ठीक है थोड़ा इसको उड़ाया था इसको मैंने क्रैश कर दिया दो बार बड़ा गलत ठीक है देखो हो जाएगा बट इसको उड़ा के दिखाएंगे ढंग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्योंकि अभी क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें ना एफपीवी ढंग से कैलिब्रेट नहीं हुआ है वीडियो जल्दी से कंप्लीट करता हूं गाइज यही था आज का वक्त भी अपने देखा और गाइज अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात वीडियो शूट करते हुए ठीक है और गाइज देखो चीज़ की इसका तो एफपीवी अभी हमने ढंग से कनेक्ट नहीं करा है तो उसके ढंग से आपको मिलेगी फ्लाइट वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो होपफुली टिल देन बाय जल्दी से करो सब्सक्राइब आईपीएम आपको एज वेल एज मोटा बाइकर वैभव फैट बाइकर वैभव ठीक है अच्छा इस पे अगर 500K से ज़्यादा व्यूज आए ना तो ये मर्सिडीज के साथ इस ड्रोन को रेस करेगा 500K नहीं आए तो तब भी करेंगे चलो गाइज जल्दी वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को इन्जॉय तो अपने कर ही होगा चलो बाय